क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप, 0 Mile NH 31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। इंटरमीडिएट की परीक्षा के दूसरे दिन TNB कॉलेज से 10 मुन्ना भाई हुए गिरफ्तार। इंटरमीडिएट की परीक्षा मंगलवार से प्रारंभ है। शहर में कदाचार मुक्त परीक्षा कराने को लेकर स्कूल प्रशासन काफी चुस्त व दुरुस्त है। परीक्षा के पहले दिन यानी कल मंगलवार को जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने भी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर कहा था कि परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में कदाचार मुक्त ली जा रही है। वहीं परीक्षा के पहले दिन ही TNB कॉलेज से 6 मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया गया और आज दूसरे दिन भी पहली पाली में फिजिक्स की परीक्षा में लगातार 10 मुन्ना भाई की गिरफ्तारी हुई। वही मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात दिनेश कुमार ने सभी छात्रों को पूछताछ के दौरान शक होने पर पकड़ा। सभी मुन्ना भाई दूसरे परीक्षार्थी की जगह पर मोटी रकम देकर परीक्षा दे रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार कुछ मुन्ना भाई BS कॉलेज शाहकुंड के परीक्षार्थियों के बदले परीक्षा में बैठे थे। आज कितने मुन्ना भाई गिरफ्तार हुए हैं भागलपुर जिले में? प्रथम पाली में 8 और अभी वर्तमान में सेकंड पाली संचालित हो रही है। इसमें एक वैसे कैंडिडेट ऐसे के पकड़े गए हैं जो किसी दूसरे अन्य ऐसे के परीक्षार्थी के बदले में एग्जामिनेशन दे रहे थे। ये सारे के सारे TNB कॉलेज से ही ऐसे के अरेस्ट हुए हैं। सर, कदाचार मुक्त परीक्षा कराए जाने को लेकर और क्या तैयारियां हैं आपकी तरफ से? हम लोगों ने तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और कोविड के SOP का अनुपालन करते हुए बहुत ऐसे की साफ सुथरा ऐसे की व्यवस्था की है। बट ऐसे ही ऐसे की व्यक्ति जिसके संदर्भ में हम लोगों के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है और वो ऐसे के आ जाते हैं, जबकि ये सारे लोगों को मालूम है कि जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं और जो ये जो उपस्थिति पत्रक है, उपस्थिति पत्रक में बच्चे का ऐसे के फोटो भी ऐसे के संलग्न रहते हैं और ये ऐसे कि किसी दूसरे की जगह पे आते हैं तो यहाँ पर एट लास्ट ऐसे के पकड़े जाते हैं, पहचान में आ जाता है कि यह व्यक्ति अपना नहीं बल्कि किसी अन्य व्यक्ति की जगह पर एग्जामिनेशन में बैठा है। ऐसे लोगों से मेरी अपील है कि आप अपनी ऐसे की जान जोखिम में नहीं डालें, आप अपना भविष्य को खराब ना करें। सीएम नीतीश के बड़बोले विधायक ने दिया विवादित बयान, कहा पीकर लोग मरेंगे तभी होगी जनसंख्या कम। गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल अक्सर अपने विवादित बयान और हरकतों के कारण मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं। एक बार फिर से बिहार में उनकी चर्चा तेज हो गई। गोपाल मंडल ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बार बार कहना हो रहा है कि लोकल जहरीली शराब से दूर रहें, परंतु लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। लोग जहरीली शराब पीकर खुद को मौत के नजदीक ले जाना चाहते हैं। इसी क्रम में गोपाल मंडल ने अपने बयान में कहा कि अपने मुख्यमंत्री लोगों को शराब पीने से तो मना कर ही रहे हैं, तब भी लोग नकली दारू बनाकर पी रहे हैं। लोग पीते ही हैं मरने के लिए। विधायक गोपाल मंडल ने ये तक कह डाला कि लोग मरेंगे तो जगह भी तो खाली होगी। जहरीली शराब पीकर लोग अक्सर अगर ऐसे ही मरते रहेंगे तभी जनसंख्या भी कम होगी। सीएम पर जोर देते हुए गोपाल मंडल ने बार बार कहा, नीतीश कुमार जब जहरीली दारू पीने से मना कर रहे हैं तो लोग दारू बनाकर आखिर पी क्यों रहे हैं? पैसा चाहिए, पैकेज चाहिए, ये तो बिहार मांगता ही है जी सर, यही बात है। तो लगातार अभी शराब में बक्सर हुआ, गोपालगंज हुआ और सब सब देसी शराब से लोग मर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना? अरे नीतीश कुमार तो मना करिए रहे, मरोगे। नकली दारू बिल्कुल बना रहा है, बेच रहा है तो मरबे करेगा, पीता काहे के लिए, मरने के लिए। तो ये बात होना चाहिए, खाली भी जगह होना चाहिए ना, इसी तरह मरते जगह कुछ तो जनसंख्या घटेगा ना। इसको नीतीश कुमार मतलब बोल रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, फिर दारू बना के क्यों पीते हो? बॉर्डर सील कर दिया है, कम दारू आ रहा है, नहीं के बराबर, लोग छिप के आ रहा है, खेत हो क्या रहा है, तार है, थोड़ा बहुत दारू मिल रहा है, तो फिर गरीब आदमी के लिए ही दारू बंद किया है, तो गरीब आदमी तो बनाया हुआ दारू पीता है तो मरबे करेगा जी। इसमें सरकार क्या करेगी?
अब विपक्ष तो सरकार पे आरोप लगा रहा है, आप लोग नौटंकी करते हैं, दारू बंद करने ढंडोरा पीट रहे हैं, दारू बंद है नहीं, तो विपक्ष ये आरोप लगा रही है सर। देखिए विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि दारू चला दीजिए, दारू चला देंगे नीतीश कुमार कहीं का रहेंगे, ये नहीं बंद होने वाला। जब तक नीतीश कुमार साथ चलता रहेगा तब तक दारू नहीं चलेगा। लुके छिपी तो गंजा भी चलता है, गंजा मनाही है जी, सोना लेके चलना मनाही है, हीरा लेके चलना मनाही, सब चीज़ मनाही, लेकिन सब चोरा लिखा चलता है तो चोर तो चोरी। टीएमबीयू के सीनेट बैठक में पारित हुआ 614 करोड़ घाटे का बजट। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में बुधवार को सीनेट की बैठक टीएनबी कॉलेज में ऑनलाइन माध्यम से हुई, जिसमें 614 करोड़ से अधिक घाटे का बजट पास किया गया। इस बार वेतन और पेंशन के लिए करीब 4.25 अरब रुपए का बजट का अनुमान किया गया। बजट में कुल 104 करोड़ 47 लाख रुपए का प्रावधान किया गया, जो विभिन्न मदों में खर्च किए जाएंगे। पिछली बार की तरह इस बार भी वेतन से ज्यादा पेंशन मद में खर्च होने का अनुमान है। बैठक प्रशाल में बड़े एलईडी स्क्रीन लगाए गए थे, इसके साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने को लेकर कुर्सियां लगाई गई थी। रजिस्ट्रार निरंजन प्रसाद ने बताया बैठक के दौरान कई सदस्यों ने अपने सुझाव भी दिए, जिसे सर्वसम्मति से मान लिया गया। सीनेट सदस्य प्रोफेसर अशोक ठाकुर ने बताया बजट में शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ छात्रों की रिसर्च के लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान किया गया है। सीनेट की बैठक में टीएनबी कॉलेज के प्राचार्य संजय चौधरी, सीनेट सदस्य मृत्युंजय सिंह गंगा, रामगोपाल पोद्दार, प्रोफेसर विलक्षण रविदास, मुजफ्फर अहमद, प्रोफेसर डीएन राय समेत कुलपति प्रतिकुलपति समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। नगर निगम के पार्षदों ने नगर आयुक्त व महापौर का किया पुतला दहन। विवादों का विभाग अगर किसी को कहा जा सकता है तो वो है नगर निगम भागलपुर, क्योंकि भागलपुर नगर निगम में कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन विवाद ना हुआ हो। कभी आमरण अनशन, कभी आंदोलन, तो कभी हड़ताल देखने को मिलती है। ठंड खत्म होने को है, परंतु गरीबों को नगर निगम के द्वारा कंबल वितरण का इंतजार अभी तक करना पड़ रहा है। इसी बाबत आज भागलपुर नगर निगम में पार्षदों ने नगर आयुक्त प्रफुल्ल चंद यादव व मेयर सीमा शाह का पुतला दहन किया। दरअसल नगर निगम द्वारा इस बार भी ठंड में शहरी क्षेत्र के जरूरतमंदों के लिए अब तक कंबल की खरीदारी नहीं की गई। लगातार कंबल खरीदने की तारीख बढ़ाई गई। अधिकारी सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन देते दिखते हैं। फिर कल निगम के जैम पोर्टल पर कंबल खरीद की प्रक्रिया रद्द हो गई, जिससे आक्रोशित पार्षदों ने नगर आयुक्त और मेयर का पुतला फूंका। वार्ड पार्षद संजय सिन्हा ने कहा कि नगर निगम के द्वारा प्रत्येक वर्ष हर वार्ड में बीपीएल परिवारों के बीच कंबल वितरण किया जाता है, लेकिन इस बार नहीं किया गया। अक्टूबर महीने में स्थायी समिति की बैठक में टेंडर पास करवाया था। नगर आयुक्त ने आश्वासन दिया था, लेकिन फिर प्रक्रिया रद्द हो गई। इसके लिए आज पुतला दहन किया जा रहा है। सचमुच इस तरह की प्रक्रिया से हम कह सकते हैं कि नगर निगम सिर्फ और सिर्फ गरीबों को आश्वासन देने का काम करती है। 7 फरवरी से विद्यालय खोलने को लेकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की बैठक व प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आयोजित। आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की बैठक एवं प्रेस कॉन्फ्रेंस भागलपुर स्थित एसएम कॉलेज रोड के नवलोक अकादमी में आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से विमर्श किया गया कि लगातार कोरोना काल के समय से विद्यालय की स्थिति दयनीय हो चुकी है। शिक्षक शिक्षिकाएं संचालक सहित अन्य कर्मी आर्थिक तंगी के शिकार हो चुके हैं। एसोसिएशन के द्वारा महाराष्ट्र एवं अन्य राज्यों की तर्ज पर पुनः विद्यालय को खोलने की मांग बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी को पत्राचार के माध्यम से अवगत कराया गया। क्रमशः हालात ये हैं कि कई निजी विद्यालय जो किराए के मकान में संचालित हो रहे थे बंद होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। कई विद्यालयों में बैंक का लोन, बिजली बिल एवं कई प्रकार का बकाया लगातार जारी है। तमाम संदर्भित मुद्दों को लेकर 7 फरवरी से सभी निजी विद्यालयों को खोलने का आदेश निर्गत करने की मांग शिक्षा मंत्री से सभी सदस्यों ने की। इस बैठक में सचिव अरविंद कुमार सिंह, उप सचिव अशोक कुमार, अध्यक्ष मोहम्मद मसूद आलम, उपाध्यक्ष मोहम्मद शाहिद अनीश, कोषाध्यक्ष रामनंदन रजक के अलावा दर्जनों शिक्षक मौजूद थे। बताते चले कि विद्यालय खोलने के संबंधित आवेदन भागलपुर जिला पदाधिकारी एवं बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी को भी दी गई है। ग्लोबल कायस कॉन्फ्रेंस का मनाया गया स्थापना दिवस। संस्थापक से अध्यक्ष राजीव रंजन को दी गई जन्म दिवस की बधाई। भागलपुर जीकेसी परिवार की तरफ से जीकेसी संस्था का स्थापना दिवस एवं संस्थापक सह ग्लोबल अध्यक्ष माननीय राजीव रंजन का जन्म दिवस जिला कार्यालय कोयला डिपो बस स्टैंड के पास जिला अध्यक्ष चंदन सहाय जी की अध्यक्षता में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जीकेसी परिवार की तरफ से केक काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर जन्म दिवस एवं स्थापना दिवस मनाया गया।
कार्यक्रम में जिला महामंत्री संजय कुमार सिन्हा, उपाध्यक्ष चंदन करण महिला, जिला अध्यक्ष संगीता सिन्हा, प्रधान महासचिव स्वरूप रानी, प्रिया, अवधेश कुमार सिन्हा, जिला सचिव राकेश सिन्हा, जिला सचिव एवं तमाम पदाधिकारी गण एवं तमाम सदस्य गण उपस्थित थे। विधायक अजीत शर्मा ने वार्ड नंबर 31 के पासवान टोला में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से निर्मित सड़क का किया विधिवत उद्घाटन। भागलपुर के विधायक से कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने वार्ड संख्या 31 के जवारीपुर पासवान टोला में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से निर्मित सड़क का विधिवत उद्घाटन फीता काटकर किया। बताते चलें कि ये सड़क आजादी के पहले से अभी तक कच्ची रास्ता था। विधायक के विशेष प्रयास से इस रोड का जीर्णोद्धार हुआ और आज इसका विधिवत उद्घाटन हुआ। वार्ड नंबर 31 के पासवान टोला के लोगों में काफी खुशी का माहौल दिखा। वहां के लोगों का कहना था कि हम लोगों को उम्मीद नहीं थी कि ये रोड पक्कीकरण हो पाएगा, लेकिन विधायक अजीत शर्मा के अथक प्रयास से ही ये संभव हो पाया। वहीं विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि जवारीपुर वार्ड नंबर 31 के पासवान टोला में सड़क के साथ साथ नाले का भी कार्य बहुत जल्द होगा। कोतवाली थाना क्षेत्र के मछलीपट्टी में छापेमारी के दौरान 13 बोरा विदेशी शराब हुई बरामद। भागलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के मछलीपट्टी में छापेमारी के दौरान 13 बोरा विदेशी शराब बरामद की गई। यह छापेमारी लोन ऑर्डर डीएसपी गौरव कुमार के नेतृत्व में की गई। वहीं डीएसपी गौरव कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी के दौरान मछलीपट्टी के गोदाम से 13 बोरा विदेशी शराब बरामद की गई। इसमें कई ब्रांड की शराब होने की संभावना है। हालांकि छापेमारी में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। कोतवाली थाना क्षेत्र में बड़ी शराब की खपत का पकड़ा जाना ये थाना प्रभारी की कार्यशैली पर कई सवालिया निशान खड़ा करने वाली बात कही जा सकती है। कोतवाली थाना क्षेत्र में लगभग एक महीने के अंदर कहीं से खाली शराब की बोतलें तो कहीं से शराब व्यापारी तो कहीं भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की जाती है। इससे साफ जाहिर होता है कि कोतवाली थाना शराब को लेकर कितने सजग हैं। सुल्तानगंज थाना परिसर में 4 थानों के अवैध तरीके से बरामद शराब को किया गया एमनेस्ट। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना परिसर में थाना अध्यक्ष लाल बहादुर, सीओ शंभूशरण राय एवं मद निषेध इंस्पेक्टर चंदन कुमार के नेतृत्व में 4 थानों का शराब निष्ठ किया गया। इस दौरान मद निषेध इंस्पेक्टर चंदन कुमार ने बताया कि साकुंड थाना, बाद थाना, सुल्तानगंज थाना, अकबर नगर थाने में हुए अवैध शराब को नष्ट किया गया, जिसमें सुल्तानगंज थाना का 7 कांड संख्या, साकुंड थाना के 3 कांड संख्या, अकबर नगर थाने के 3 कांड संख्या, बाद थाने का 1 कांड संख्या, जिसमें कुल 186.375 लीटर विदेशी शराब एवं 99 लीटर देसी शराब को नष्ट किया गया। इस दौरान थाना पुलिस के कर्मी रामाशंकर प्रसाद, उमाशंकर, दिवाकर कुमार सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। मुजाहिदपुर थाना अंतर्गत बाल्टी कारखाना के पास एक युवक युवती 18 बोतल शराब के साथ गिरफ्तार। एक तरफ जहां शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री कई हथकंडे अपना रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी इसको लेकर काफी मुस्तैद नजर आ रही है। ताजा मामला मुजाहिदपुर थाना अंतर्गत बाल्टी कारखाना चौक का है। भागलपुर के मुजाहिदपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बाल्टी कारखाना चौक के पास से कृष्ण मुरारी दास के साथ एक महिला को शराब की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान दोनों के पास से 18 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई है। दोनों गिरफ्तार तस्कर नाथगढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और झारखंड से बस के द्वारा शराब लेकर आ रहे थे। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार तस्कर से गैंग से जुड़े अन्य लोगों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। बिहार लेनिन अमर शहीद जगदेव बाबू की मनाई 100वीं जयंती। राष्ट्रीय जनता नवगछिया द्वारा बिहार लेनिन से मशहूर अमर शहीद जगदेव बाबू की 100वीं जयंती पर युवा राजद जिलाध्यक्ष कांतेश कुमार उर्फ टीनू यादव की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही कार्यक्रम का संचालन युवा राजद जिला प्रवक्ता शुभम यादव ने किया। राजद नेताओं ने अमर शहीद जगदेव बाबू के तैलीय चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके पद चिन्हों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला महासचिव संजय मंडल ने कहा कि समाज के कमजोर वर्गों के हक की लड़ाई लड़ते हुए जगदेव बाबू शहीद हो गए। वहीं युवा जिला प्रवक्ता शुभम यादव ने बताया कि तमिलनाडु में जिस प्रकार दलितों पिछड़ों में जागरूकता लाने का श्रेय पेरियार रामास्वामी को जाता है, उसी प्रकार बिहार में गरीबों व वंचितों की लड़ाई में बाबू जगदेव प्रसाद का मुख्य योगदान है। युवा राजद जिलाध्यक्ष कांतेश कुमार ने कहा कि जगदेव बाबू बिहारी की भूमि को अपने संघर्ष के बलबूते बिहार को गौरवान्वित किया, हम सबों के लिए हमेशा प्रेरणादायक रहेंगे।
इस अवसर पर युवा राजद जिलाध्यक्ष कांतेश कुमार उर्फ टीनू, मुख्य अतिथि जिला महासचिव संजय मंडल, युवा राजद जिला प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी शुभम यादव, महासचिव सौगंध साह, नगर अध्यक्ष तनवीर बावा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम स्क्रीन पर आयोजित। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर आयोजित वर्चुअल स्क्रीन संबोधन प्रॉक्टर के माध्यम से मारवाड़ी विवाह भवन नवगछिया में संपन्न हुआ, जिसमें लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। डिजिटल भारत के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अनिल कुमार यादव थे। कार्यक्रम में विनोद कुमार, सुबोध सिंह कुशवाहा, आलोक कुमार सिंह, रोशन चौधरी, कौशल जायसवाल, बबलू चौधरी, पुलकित सिंह, रंजीत झा, प्रमोद मंडल, राजेश पासवान व अन्य लोग मौजूद थे। नवगछिया में इंटर की परीक्षा दूसरे दिन भी शांतिपूर्वक हुई संपन्न। इंटर की परीक्षा दूसरे दिन भी शांतिपूर्वक संपन्न हुई। परीक्षा केंद्र में सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किए गए। अनुमंडल पदाधिकारी यतेंद्र कुमार पाल घूम घूम कर परीक्षा केंद्र का जायजा ले रहे थे। परीक्षा के दूसरे दिन 74 छात्राएं अनुपस्थित हुई। प्रथम पाली में जीबी कॉलेज नवगछिया में एक छात्रा अनुपस्थित थी। 134 छात्राओं ने परीक्षा दी। बीएलएस कॉलेज में 6 छात्राएं अनुपस्थित थी। 584 छात्राओं ने परीक्षा दी। मदन अहिल्या महिला कॉलेज में 2 छात्राएं अनुपस्थित थी। 157 छात्राओं ने परीक्षा दी। इंटर स्तरीय हाईस्कूल 3 छात्राएं अनुपस्थित थी। 195 छात्राओं ने परीक्षा दी। रूंगटा बालिका उच्च विद्यालय नवगछिया में 2 छात्राएं अनुपस्थित थी। 210 छात्राओं ने परीक्षा दी। शिलाजी उत्क्रमित सिंघिया मकंदपुर में 5 छात्राएं अनुपस्थित थी। 191 छात्राओं ने परीक्षा दी। द्वितीय पाली में जीबी कॉलेज नवगछिया में 12 छात्राएं अनुपस्थित थी। 514 छात्राओं ने परीक्षा दी। बीएलएस कॉलेज नवगछिया में 13 छात्राएं अनुपस्थित थी। 870 छात्राओं ने परीक्षा दी। मदन अहिल्या महिला कॉलेज में 3 छात्राएं अनुपस्थित थीं। 457 छात्राओं ने परीक्षा दी। इंटर स्तरीय हाई स्कूल में 15 छात्राएं अनुपस्थित थीं, जिसमें 543 छात्राओं ने परीक्षा दी। रूंगटा बालिका उच्च विद्यालय में 6 छात्राएं अनुपस्थित थीं। 440 छात्राओं ने परीक्षा दी। शिलाल उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिंघिया मकनपुर में 6 छात्राएं अनुपस्थित थीं। 564 छात्राओं ने परीक्षा दी। इंटर की परीक्षा देने जा रही छात्रा सड़क दुर्घटना में हुई घायल। इंटर की परीक्षा देने जा रही छात्रा सड़क दुर्घटना में घायल हो गई। छात्रा रंगरा ओपी क्षेत्र के मधुसूदनपुर बैसी निवासी सुबोध मंडल की पुत्री नेहा कुमारी थी। वो इंटर की द्वितीय पाली की परीक्षा देने के लिए मदन अहिल्या महिला कॉलेज नवगछिया जा रही थी। छात्रा को ऑटो ने टक्कर मार दी, जिससे छात्रा घायल हो गई। स्थानीय लोगों ने घायल छात्रा को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल नवगछिया में भर्ती करवाया। इलाज के उपरांत छात्रा को परीक्षा देने के लिए भेज दिया।